Hey everyone, welcome back to the new video. My name is Gaurav and welcome back to the lecture number 10 of our stock market basics to advanced series. ठीक है, और आज का जो वीडियो का टॉपिक है दिख रहा होगा आपको टेक्निकल एनालिसिस, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. और जैसे मैंने पुरानी वीडियो में कहा था, नहीं देखी तो देखो. और ये चीजें जो है किसी बिगिनर को थोड़ी कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि आपको शुरुआत से बेसिक्स नहीं पता तो मैंने पूरी सीरीज बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पूरी सीरीज आप देख सकते हैं. उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में. हम थे लास्ट लेक्चर में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. ओके, तो देखो यार, मेरे 470 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं, 500 होने वाले हैं. तो कैसे भी करके करवा दो शेयर वेयर करके, क्योंकि 500 होते ही मैंने कहा है कि मैं पर्सनली आपका मनी ग्रो करवाऊंगा. ओके, तो करवा देना जैसे भी करना है. ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी करना है आप करें, सब्सक्राइबर बढ़ाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. तो हमने पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस में तीन चीजें होती है, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स. ठीक है, तीन टाइप की चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये तीनों चीजें आती है. ये तीनों चीजें आप पढ़ लोगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा. ओके, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राइस एक्शन. तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले आता है सपोर्ट, हमने ये पढ़ लिया था पहले, नहीं पढ़ा तो जाके देखना. फिर पढ़ा था रेजिस्टेंस, वो भी, फिर ट्रेंड लाइंस, फिर चैनल्स. ठीक है, ये भी पढ़ लिए थे. किसी को चैनल समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बता देता हूँ, चैनल्स क्या होते हैं. ये आपका कोई चार्ट है, ये मार्केट ऊपर गया और यहाँ से साइडवेज हो गया. ओके, फिर ऊपर चले गया या नीचे चले गया जहां भी. तो अगर ऊपर की लाइन को हम जोड़े और नीचे की लाइन जोड़े, तो ये हो गया आपका सपोर्ट, नीचे ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऊपर. इतना पता है सबको. अगर इस एरिया को हम कलर कर देंगे बहुत हल्का 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 सा, कि हमें लाइंस भी दिखे, प्राइस भी दिखे और ये कलर भी फील हो जाए यहाँ पे, तो इस एरिया को हम चैनल बोलते हैं, कि इस सुरंग के अंदर, इस चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा है. ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन में बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है. लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितनी चीजें होती है, बट और कुछ नहीं होता. सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और चैनल्स. ठीक है, सिर्फ इतना होता है प्राइस एक्शन में. उसके बाद होता है आपका कैंडलस्टिक्स. ठीक है, सबसे पहले कैंडलस्टिक्स के टाइप्स आते हैं, कितने टाइप की होती है, डोजीज, शूटिंग स्टार. ठीक है, सबसे पहले टाइप्स होते हैं, फिर उन सबको कंबाइन करके कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स बनते हैं. और पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के. पहला होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न. ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा घिसने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें चार चीजें पढ़नी होती है. फिर हम जाते हैं चार्ट पैटर्न्स पे. चार्ट पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल. कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, मान लो कि ये चार्ट है, प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक पैटर्न बन गया पेनेंट का. तो जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जैसे नाम से बता रहा है, वो हमें बताता है कि अगर प्राइस ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को ही कंटिन्यू होगा. ओके, ये होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न. और रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, मान लो कि प्राइस है, ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, ये बन गया यहाँ पे हेड एंड शोल्डर. ये पैटर्न होता है चार्ट का, इसको हम कहते हैं रिवर्सल. तो यहाँ से जो है प्राइस वापस नीचे आ जाता है, ये होता है रिवर्सल पैटर्न, जो हमें बताता है कि प्राइस अगर ऊपर था तो नीचे आने वाला है और नीचे था तो ऊपर जाने वाला है. तो इसमें चार्ट पैटर्न आते हैं. ओके, इसमें एक और चीज ऐड होती है जिसको कि हम कहते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स. ओके, इंडिकेटर्स भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यूज करने हैं. वैसे तो ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि शुरुआत में यूज करते हैं बिगिनर्स इसको और लॉस ही करते हैं. बट ठीक है, इन चारों को मिला के टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आपका खत्म हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, तो दिमाग से भ्रम निकालना. ठीक है, तो इंडिकेटर्स में मैं आपको वो बताऊंगा जो सब यूज करते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जो कि तीन चार ही होते हैं, बस ज्यादा नहीं होते, क्योंकि हजार से ज्यादा इंडिकेटर अवेलेबल है. तुम भी अपने डिजाइन कर लोगे एक दिन में 10 इंडिकेटर, जैसे तुम्हें बेसिक समझ में आएगा कि इंडिकेटर कैसे डिजाइन होते हैं, तुम खुद के बना लोगे यार. ठीक है, तो मेजरली जो होते हैं तीन या चार होते हैं मेन जो यूज होते हैं, या तो वो भी नहीं होते, केवल इन तीनों चीजों से काम हो जाता है. ठीक है, और प्राइस एक्शन पूरा सीखना है तो ये चार चीजें मिला के कम्प्लीट प्राइस एक्शन होता है. ठीक है, होपफुल इतना समझ में आया होगा. जब हम ये चारों चीजें सीख जाते हैं तो क्या होता है, इन चारों चीजों को कॉम्बिनेशन करके, या फिर इन तीन चीजों का, ये लो या ना लो आपकी मर्जी है, इसके यहां पे मैं और लगा देता हूं, आपकी मर्जी है, इनको कंबाइन करके रिजल्ट निकाला जाता है कि मेरा व्यू क्या है, बुलिश है ऊपर की तरफ या बेयरिश है. ठीक है, इन सबको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाती है, उस पर कैंडलस्टिक्स को देखा जाता है और वहां पे चार्ट पैटर्न्स को देखा जाता है. जब भी कंबाइन होकर जवाब देते हैं कि मार्केट कहां को जाएगा, उसी तरफ हम पैसा लगाते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना स्टार्ट कर लो. हमने खत्म कर दिया था प्राइस एक्शन का पार्ट, आज हम कैंडलस्टिक्स के पार्ट में जाएंगे. ओके, और इसके बाद हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स में. कैंडलस्टिक्स वाला लंबा खींचेगा, दो तीन लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पैटर्न्स होता है कैंडलस्टिक्स के जो आपको याद रखना है.
उसके बाद चार्ट पैटर्न्स में हम मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कैंडल सिक्स का पार्ट। चलिए बढ़ते कैंडल सिक्स की तरफ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, कैंडल सिक्स का सबसे पहले होता है टाइप्स। सबसे पहले हम समझे तो कि कितने टाइप्स की कैंडल सिक्स होती है। फिर होता है पैटर्न्स, यानी कि जितने टाइप्स की कैंडल सिक्स है अगर उनको हम मिला दें तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं, सिंगल, डबल कैंडल स्टिक्स एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। फिर हम पैटर्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैंडल स्टिक के टाइप में आता है डोजी। मैं साइड में तुम्हें पिक्चर भी दिखा दूंगा डोजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन दिखा रखा है, ये रेड भी हो सकता है। जितने भी टाइप्स हैं कैंडल स्टिक्स के, कलर कुछ भी हो सकता है उनका, रेड भी ग्रीन भी, मतलब उनका हमेशा सेम रहेगा। भले ही यहाँ पे रेड होता मतलब इसका, फिर भी सेम रहता, तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता इनका, ठीक है। सबसे पहले आता है डोजी, ठीक है। डोजी कैंडल क्या होती है कि जैसे कि मान लो आज ही दिन है, प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और फिर प्राइस नीचे आया, फिर नीचे गया, और दिन खत्म होते होते जहां पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे बंद हो गया। तो मतलब ना प्राइस बढ़ा ना घटा, तो उसकी कैंडल कुछ इस टाइप की बनती है। मैंने फोटो दिखाई तुम्हें साइड में, ठीक है। होता ये कि या तो इसका कोई कलर ही नहीं होता, ये थोड़ा सा मेटेलिक कलर होता है इसका, ठीक है, या तो फिर इसकी छोटी सी बॉडी होगी, बहुत पतली बॉडी होगी, ग्रीन या फिर रेड, बहुत पतली, ठीक है। तो बॉडी बहुत छोटी सी होगी, या तो बॉडी का कोई कलर ही नहीं होगा, ये एकदम ग्रे ग्रे कलर की होगी, ठीक है। तो इसको हम डोजी कहते हैं। और जो डोजी कैंडल स्टिक्स है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, होता यह है कि प्राइस जैसे कि आज इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और इस बार नीचे आते समय जहां पे स्टार्ट होता वहीं पे बंद हो गया, ठीक है। तो इसका कैंडल कुछ ऐसे बनता है, ऊपर लंबी सी इसकी विक होती है और नीचे ये फ्लैट होता है एकदम, ठीक है। इस बार प्राइस नीचे नहीं गया, ऊपर जाके जगह पे क्लोज हो गया। तो इसका भी जो है क्या होता है कि कोई कलर नहीं होता, ग्रे कलर की होगी, या तो ग्रीन या तो रेड भी होगी, तो बहुत पतली बॉडी होगी इसकी, मतलब जो ये एरिया है ना बहुत पतला होगा, ठीक है। जैसे ग्रीन बहुत पतला होगा या तो रेड बहुत पतला होगा, ऐसे आएगा और बहुत पतला रेड होगा। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बड़ी बॉडी होती है कैंडल्स के अंदर कलर होता है, पर इनमें जो है बहुत पतली बॉडी होगी या तो कोई कलर ही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी। इसके बाद आती है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसका उल्टा होता है ग्रेवस्टोन का, ठीक है। प्राइस आज यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गिरा और दिन खत्म होते होते अपनी जगह पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ऐसी कैंडल बनती है, या तो कोई कलर ही नहीं होगा, ग्रे कलर होगा, या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा, पर बहुत पतला कलर होगा। यूजुअली बॉडी बहुत बड़ी बड़ी होती है कैंडल की, पर यहाँ पे ऐसी बड़ी बॉडी नहीं होगी, बहुत पतला से यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डोजी। याद रखना ऐसी कैंडल को जो बारीक सी होती है उसको हम डोजी कहते हैं, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है। डोजी का मतलब ये कि बॉडी ना होना, या तो इतनी पतली होना कि उसे बॉडी ना मानना, ठीक है, उसे हम डोजी कहते हैं। फिर आता है हैमर, ठीक है। हैमर का जैसे नाम से पता चल गया, हैमर होता यह कि उसकी जो बॉडी होती है ये ठीक ठाक होती है, नोटिसेबल होती है, पर लेकिन जो उसका नीचे की जो विक है ये बॉडी के डबल होती है, ठीक है। अगर इसको हम डबल करें, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अगर नीचे की जो विक है बॉडी से डबल या डबल से ज्यादा है तो उसको हम हैमर कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ऊपर वाली विक या तो बहुत छोटी विक होती है तो भी हम इसे हैमर कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विक ना हो, अगर हल्की सी विक निकली ऊपर से तो भी इसे हैमर कह सकते हैं, पर यूजुअली ये विक नहीं होती, ये बॉडी होती है, और इस बॉडी से डबल नहीं तो डबल से ज्यादा इसकी लेंथ होती है नीचे विक की, तो इसको हम हैमर बोलते हैं, जैसे दिख ही रहा है हथौड़े टाइप का हैमर, ओके। तो अगर हैमर के टाइप्स की बात करें तो ये तीन टाइप के हैमर होते हैं। सबसे पहले होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जैसे इन्वर्टेड बताया है नाम से, ये उल्टा हैमर है, ठीक है, ओके। ये होता है कि इसकी विक बड़ी लंबी होती है और नीचे की बॉडी ऐसी होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि बॉडी से डबल या तो डबल से ज्यादा जो है विक की लेंथ है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। अगला टाइप जो है वो है हमारा हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन भी सेम होता है, ये आपका मार्केट है, ये ऊपर मार्केट जा रहा है, ये अप ट्रेंड में आता है और ट्रेंड रिवर्स कर देता है, ठीक है। इसकी ये बॉडी है और बॉडी से डबल नहीं तो डबल से ज्यादा इसकी विक है, जैसे ही अप ट्रेंड में जो है आपका हैंगिंग मैन आया, ठीक है। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, जैसे इंसान है, मुंह है फिर बॉडी है, ठीक है, मतलब मुंह बड़ा है फिर बॉडी वैसी है, तो ये इसका आप सर मान लो और नीचे झूल रहा है, ठीक है, ये नीचे बॉडी झूल रही है, ये ट्रेंड को रिवर्स कर देती है, ठीक है। हैंगिंग मैन अब ट्रेंड में आता है, ट्रेंड को रिवर्स कर जाता है, ओके। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, जैसे कि आपका मार्केट है या आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, सेम शूटिंग स्टार क्या होता है, सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है, बट इसकी बॉडी जो है काफी ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा, तीन टाइम से भी ज्यादा लंबी होती है। अगर इसकी बॉडी को हम तीन गुना भी कर देना यहाँ पे, तो तीन गुने से भी ज्यादा लंबी इसकी जो है विक हो जाती है, ठीक है, सॉरी विक हो जाती है, जो बॉडी है उसकी
तीन गुने से भी ज्यादा इसकी वीक हो जाती है, ठीक है, जो इसका ये वाला एरिया है। तो इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। अब जैसे शूटिंग स्टार क्या होता है, आसमान से टूटता है फिर नीचे जाता है, तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ट्रेंड को नीचे फेंक देगा। तो अगर अब ट्रेंड है और शूटिंग स्टार बन गया है तो मार्केट वहां से नीचे को चले जाएगा, ठीक है। तो यह है आपके हैमर, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हैमर के टाइप्स थे, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। जो खुद हैमर है उसका क्या काम है, उसका काम यह है जैसे कि ये ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, अब ये होता है उल्टा, ठीक है। अगर मार्केट मान लो डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, और ये वाला हैमर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, और ये डाउन ट्रेंड में बन गया, ये रही इसकी बॉडी, और बॉडी से डबल या फिर डबल से ज्यादा जो है इसकी वीक हो गई। अगर ये डाउन ट्रेंड में आ गया हैमर तो ये ट्रेंड रिवर्स कर देगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। साइड में फोटोज दिखाता रहूंगा, ठीक है। और ये होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सबको यूज करके एनालिसिस किया जाता है। तो मैंने टाइप्स ऑफ आपको बता दी कैंडलस्टिक्स, यहाँ पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इसमें सिंगल कैंडलस्टिक्स है, डबल कैंडलस्टिक्स है, ट्रिपल कैंडलस्टिक्स है, और तीनों ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ टाइप्स ही बताए हैं और टाइप्स ही बताऊंगा ताकि तुम इतना याद रख लो, बाकी नोट्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, और कर लिए होंगे वैसे तो तुमने, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना कितने टाइप्स के ये हैमर हुमर होते हैं, उसके बाद पैटर्न्स पे जाएंगे तो मैं अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक मिनट बने रहो वीडियो में। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके, बाइनरी मार्केट, करेंसी मार्केट, आपका जो है यूएस का स्टॉक मार्केट, इंडिया का स्टॉक मार्केट, और कमोडिटी मार्केट, बहुत सारे मार्केट बताए थे। तो अब ये हमें जानना है कि कौन कौन से मार्केट में हम टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडिया स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, तो उसमें एक सेगमेंट होता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है आपका कैश सेगमेंट भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम शेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हम जब इक्विटी में करते हैं या फिर शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किन चीजों से पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, प्राइस एक्शन, वो हम पढ़ चुके हैं, प्राइस एक्शन हो गया। उसके बाद आता है आपका कैंडलस्टिक्स, ठीक है, वो अभी हम पढ़ रहे हैं, खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर के बाद कैंडलस्टिक्स, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स। और अगर वैसे ही इतने में काम हो गया पर अगर फिर भी मन नहीं भर रहा तो इसके बाद आप कुछ इंडिकेटर्स और सीख सकते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत कुछ कमी सी लग रही है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट लेकिन बिना इनके काम चल जाता है इंडिकेटर के, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो इक्विटी में, कैश में, शेयर्स में, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, या फिर आप ट्रेड कर रहे हो करेंसी में, ठीक है, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, जिसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं, ओके, या तो आप ट्रेड कर रहे हो बाइनरी में, ठीक है, या तो आप ट्रेड कर रहे हो कमोडिटी में, ठीक है, कमोडिटी। अब समझो करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बाइनरी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इक्विटी, कैश, शेयर्स, अगर आप इनमें ट्रेड कर रहे हो तो इतने चीजें सीखने से आपका काम हो गया। अगर आपने ये सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस जिसमें प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स आते हैं, तो अगर आपने चारों चीजें सीख ली, इन चारों चीजों को आप कंबाइन कंपाइल करना सीख गए, डिसीजन बनाना सीख गए कि कैसे डिसीजन बनाए मार्केट अप जाएगा कि डाउन, तो इस सेगमेंट में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने में आपका काम हो गया। पर क्या है कि थोड़ा ज्यादा कमाना है लोगों को, ठीक है, ये बात चल रही है अभी इक्विटी की, कैश की, फॉरेक्स की, इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इनमें कोई पंगा नहीं है, ग्लोबल मार्केट क्या है वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत पंगा नहीं होता, इतने से काम हो जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। अब हमारे स्टॉक मार्केट में और बल्कि क्रिप्टो में भी हर जगह आ चुका है ये वर्ब FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं जिसको हम, ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर अब हम बात करें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तो इसमें हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो फ्यूचर और ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको प्राइस एक्शन तो आना ही चाहिए, ओके, प्राइस एक्शन आपको चाहिए। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक्स भी आनी चाहिए, कैंडलस्टिक्स भी आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न्स भी आने चाहिए, ओके, चार्ट पैटर्न। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स भी आने चाहिए, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, बहुत सारे होते हैं, बता दूंगा, वैसे यहां जरूरत नहीं पड़ती बट यहां पड़ जाती है जरूरत, ठीक है, इंडिकेटर्स भी आने चाहिए। उसके बाद आपको ओपन इंटरेस्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पढ़नी पड़ती है, ओके, ऑप्शन चेन पढ़नी पड़ती है। उसके बाद आपको यूएस का डाउ देखना पड़ता है, डाउ जोन्स कैसा है, अप है कि डाउन है। फिर आपको जो है एसजेक्स निफ्टी, सिंगापुर का निफ्टी देखना पड़ता है, ओके। उसके बाद आपको जो है नीचे ग्लोबल मार्केट देखना पड़ता है,
ठीक है, और साथ के साथ आपको न्यूज भी देखनी पड़ती है कि मार्केट में न्यूज क्या चल रही है, क्योंकि सबसे पहले फर्क इनमें पड़ता है। तो अगर आप सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतने से काम आपका हो गया, पर अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शन में जा रहे हो तो इतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। इसलिए ये चीजें ध्यान से पढ़ाई जाती है और मैं भी ध्यान से बताऊंगा ताकि आप सब कुछ पढ़ पाओ। ठीक है, चलने को काम तो इसमें भी इतने में चल जाएगा, इंडिकेटर्स में। ठीक है, इंडिकेटर्स ना भी लगाओ तो इन तीन चीजों में भी काम चल जाएगा। बट फ्यूचर ऑप्शंस में क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में जितना इन सबको एनालाइज करके आप डिसीजन बनाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता है डाउ निफ्टी या एसजीएक्स वगैरह का, प्राइस एक्शन से काम चल जाएगा। ठीक है, या इन सबको मिला के आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी से आपका काम चल जाएगा। बट लेकिन यहाँ नहीं चलता वो काम, इन तीन से काम चल जाएगा पर लेकिन होता है कि तब एक्यूरेसी कम रहेगी। ये तब सुस्ती वाली बात है, सुस्ती में काम कर रहे हो। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये सब देखना पड़ता है। अभी ये सब इनमें से मोस्टली चीजें जब सिग्नल दे रही होती किसी एक डायरेक्शन की तो उस डायरेक्शन में जाया जाता है। ठीक है, होपफुली इतना आसान तरीके से तो कोई नहीं बता रहा होगा ये चीजें। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब ये चीजें हैं, तो अभी हम ये खत्म करेंगे ये वाला पार्ट ताकि हम करेंसी बाइनरी फॉरेक्स कैश कर सके, उसके बाद फ्यूचर्स में जाएंगे क्योंकि यही रास्ता होना चाहिए। क्योंकि बिगनर घुसते ही फ्यूचर्स में शुरू में पैसा लगा देते हैं जबकि यहाँ घुसना चाहिए। ओके, तो ये थी वीडियो, होपफुली समझ में आया होगा। आगे जो है धीरे धीरे और लेक्चर्स आएंगे और खत्म हो जाएगा इस सीरीज में। ऑलमोस्ट 30 के आसपास लेक्चर हो सकते हैं क्योंकि टॉपिक्स बड़े बड़े हैं और कुछ स्ट्रेटेजीज भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वही है 500 होने वाले, करवाओ ताकि हम ट्रेडिंग करें लाइव, और सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।